ये कैसे हुआ, कब हुआ? 3 साल की बात। एक ही साल में ऐसा हो गया? हाँ। जा रहे हैं, आपको तो बहुत दिक्कत हो रहा होगा। आती दिक्कत तो हो रही है, देख रहे हैं मेरा बैल उधर भाग गया, हम यहाँ है। तो एक साल में कोई भी पुल टूट जाता है क्या? नहीं होना चाहिए इसे तो। नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका, और फिलहाल मैं एक पुल पर खड़ा हूँ। मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे ये पुल दिखाई दी। तो मैंने इस पुल को देखा तो इसका अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा पूरी तरीके से टूट चुका है और यहाँ का आवागमन अभी बंद है। यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ नहीं आ सकती है, और साइकिल भी आती है तो इस पुल के किनारे से होकर आती है। तो आप देखिए कि ये पुल देखने से ही लग रहा है कि नव निर्मित है, यानी कि ये पुल का निर्माण इसी साल हुआ होगा, और ये पुल किसी बारिश की वजह से इस तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। तो देखिए, ये अगला हिस्सा पूरी तरीके से टूट चुका है और कई हिस्सों में ये बट चुका है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये पुल कब बना, कैसे टूटा। यहाँ के ग्रामीणों से चलिए हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? रोबर्ट होरो। आप गांव कौन सा है? ये गांव तो हम लोग दूर था। ये कब टूटा है पुल? बरसात में टूटा, लेकिन इसी साल टूटा है। हाँ, इसी साल टूटा है। एक साल में कोई भी पुल टूट जाता है क्या? नहीं होना चाहिए इसे तो। नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। आपका नाम? स्टेपन बर्जो। आपका गांव? डुमरता ही। डुमरता है। पुल आखिर कब बना है? इसी साल? इसी साल तो बना, एक सीजन में तो नहीं हुआ है। एको सीजन नहीं हुआ, टूट गया। टूट गया एक ही बरसात में तो। यहाँ पे देख सकते हैं एक हल्की सी बारिश हुई जिसके वजह से काफी ज्यादा गड्ढे हो गए हैं और मिट्टी देख रहे होंगे यहाँ पर बह गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरीके से भ्रष्टाचार यहाँ पे हुआ है। एक छोटी सी बारिश इस तरह के पुल को उजाड़ कर चली जाती है, मिट्टी जो है यहाँ से बिल्कुल हट जाते हैं, खोखला बिल्कुल ये हो जाता है। तो बताइए ये कितना दिन तक टिक पाएगा? कई गांवों को जोड़ने वाली ये पुल थी, लेकिन ये पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, और जिसके वजह से यहाँ की जो आम जनता है उनको काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रहा है। कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ है ज़रूर, है ना? तो क्या लगता है, पुल बनेगा? अभी बनना तो चाहिए। इधर आप देखिए, बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गड्ढा बन गया है। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे खड़े थे ये व्यक्ति। आपका नाम है? क्या नाम है आपका? बेंजामिन। कहाँ के रहने वाले? बेड़ा तुंडा का है। अच्छा, ये कैसे हुआ, कब हुआ? 3 साल की बात। एक ही साल में ऐसा हो गया? हाँ। आपका जमीन कौन सा है? ये लोग है, ये वाला। हाँ। तो इसमें खेती करते थे पहले? हाँ। तो आप कैसे खेती करेंगे, ऐसे तो पानी पूरा भर गया। भर गया तो कैसे खेती करेगा, सब दिन का बगान हम लगाते हैं, आलू का बगान। ऐसे में तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा होगा। बहुत तकलीफ हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, पुल बनना चाहिए फिर से? अच्छा, पुलिया नहीं बना था, इसे नहीं किया था, बनने के बाद ऐसा हो गया। हाँ, तो गलत बनाया होगा पुल, है ना? हाँ। तो एक बारिश में कोई भी पुल टूटता है क्या? अच्छा, बात के बात बताते, तिरछा करके बना लो बोल के बोले थे, लेकिन आपका बात नहीं सुना। नहीं सुना, जिसी की वजह से पुल जो है टूट गया। तो कब तक बनेगा, कुछ खबर मिला आपको ये पुल कब बनेगा? उसको नहीं जाना है, नहीं जाना है। देखिए, यहाँ पे ग्रामीण हमें मिल गए जिनकी ये जमीन है और ये मछली मारने के लिए जा रहे हैं। और उन्होंने बताया कि एक ही बारिश में ये पुल इस तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, और इतना ज्यादा टूट गया। और किसका जमीन था वो, गड्ढा बन गया? जमीन का भी नुकसान हो गया। हाँ, और आने जाने का भी नुकसान है। अभी ये बगल में कौन सा गांव पड़ता है? बेड़ा तुंडा। उससे आगे भी बहुत गांव होता होगा? आगे तो दूर में है, बहुत सारा यही रास्ता था जोड़ने के लिए। तो अभी जो उस गांव का आदमी लोग है वो किस रास्ता से ऊपर जाते हैं? अभी वो तो मोरो यो के जाएगा, मतलब दूर पड़ेगा ना? दूर पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ होगा। हाँ। कहीं ना कहीं तभी ना पुल टूटा है। हाँ, नहीं तो एक वर्ष में कैसे टूटेगा? हाँ। बात तो सही है बिल्कुल, एक वर्ष में तो नहीं टूटना चाहिए। आप लोग काम करते थे इस पुल में? हम लोग नहीं किए, हम लोग मिस्त्री करते थे, हम लोग नहीं किए। काम करने वाला बाहर से आता था? बाहर से।
मतलब गांव वालों को काम भी नहीं मिला? गांव वालों को लेबर मिला, लेबर मिला, मिस्त्री वाला नहीं। कौन बनाया था पुल कोई जानते है नाम? कौन बिहारी था उसका तो हम भी नहीं जानते हैं। अच्छा, सुनने में आया है कि यहाँ कोई ठेकेदार था, वो भाग भी गया, पैसा भी नहीं दिया। ठेकेदार का तो हम नहीं बता सकते हैं भाई, यहाँ अब हम कमे नहीं किए तो कौन ठेकेदार था कौन ना, उसको तो पूछिए। जिनसे भी पूछते हैं, यहाँ पुल टूट गया, दिक्कत नहीं होता है? काहे दिक्कत नहीं हो, कितना परेशान, देखिए ना मेरा बैल किधर चल गया। कौन गाँव के आप? मैं पेटर का हूँ। तो एक ही बरसात में पुल टूट गया सुनने में आ रहा है? हाँ, तो एक ही बरसात में टूटा। नाला में आधा दूर से लोहा सुखरा का पानी आता है, बांडी का पूरा आता है, पेटेर का पूरा आता है, सैदा का आधा आता है, और इधर घाट से नीचे तारब डंडा से लेके बुरु केंदुदा, केंदुदा और बुरतुंडा टोटल पानी यहाँ आता है। इसलिए एक पुलिया में यहाँ काम नहीं चलेगा, एक पुलिया में नहीं करेगा मतलब, और दूसरा जगह बनना चाहिए। देखिए जगह तो यहाँ दे दिया है, दूसरा जगह और जगह का ना महंगा होगा। तो अभी तो आप अभी नीचे से जा रहे हैं, आपको तो बहुत दिक्कत हो रहा है? आती दिक्कत तो हो रही है, देख रहे हैं मेरा बैल उधर भाग गया, हम यहाँ हैं। तो पुल बनना चाहिए? यहाँ तो बनना चाहिए, जरूरी, एकदम अति जरूरी है बनने के लिए। तो क्या मांग करना चाहेंगे आप? तो बन जाए तत्काल, हो तो पुल बन जाता एक भैया तो ठीक रहता, कहे सदा के लिए बनता हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रामीणों ने बताया, और काफी दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पुल इतनी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई है, वो भी एक बाढ़ के पानी में। बाढ़ नहीं कहा जा सकता है, बरसात का पानी, क्योंकि छोटा सा नाला है, और छोटे से नाली के द्वारा इस तरह का पुल को तोड़ते हुए पानी पार हो जा रही है। तो सोचिए ये भ्रष्टाचार आखिर है या नहीं है, अब देखना होगा कि आखिर ये पुल कब तक बन जाएगा। लेकिन ग्रामीणों की समस्याएं तभी दूर हो पाएगी जब तक इस पुल का दोबारा निर्माण ना हो, और इस पुल का निर्माण जल्द से जल्द मजबूती के साथ हो, और इसमें काम भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन लोगों ने बताया कि यहाँ पर बाहर से आए हुए लोगों ने कार्य किया, गाँव के लोग यहाँ काफ़ी कम सम्मिलित थे, इस वजह से हो सकता है कि इस भ्रष्टाचार में जो लोग आए थे वो शामिल थे। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, देखते रहिए न्यूज़ आपका।